दोस्तों आज मैं कैनन जी 2010, 2020, 3010 ये सब का एक ही टाइप का होता है, तो इसका अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। तो मैं इस प्रिंटर में दिखाऊँ कैनन जी 2010 का, इसको अनबॉक्स करके इसका प्रिंटर पहले इनिशियलाइज करूँगा, वो दिखाऊँगा। मेरे साथ है प्रकाश और वो आज प्रिंटर को इंस्टॉल करेगा, देखिए। और दोस्तों साथ में मैं पीवीसी कार्ड प्रिंट करके दिखाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ये बॉक्स अनबॉक्स करने के बाद यहाँ से मुझे ये मिला है एक पैकेट, पैकेट के अंदर ये आपका सीडी है, इसको साइड करके रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये पावर केबल, एक ये यूएसबी प्रिंटर केबल है, और यहाँ पे मुझे चार इंक बॉटल्स मिलेंगे, ब्लैक, येलो, मैजेंटा, चाइन। ये चारों इंक बॉटल्स का हमसे इसको इंस्टॉल करेंगे, वो दिखाऊंगा। इसको भी साइड करके रखता हूँ मैं, अभी मैं प्रिंटर को निकालूंगा। प्रिंटर का ये जो स्टिकर्स है, स्टिकर्स को आप निकाल लीजिए अच्छी तरह, सामने इधर में होगा ये अंदर, ये कवर को आप उठाने से, कवर के अंदर से भी वो है, वो निकाल लीजिए आप हल्के हाथ से। और एक यहाँ पे ये देखिएगा, खाली हेड के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, तो ये निकल गया। दोस्तों ये प्रिंटर के साथ ये दो हेड आया हुआ है, ये हो गया आपका ब्लैक और ये है कलर। यहाँ पे आपका देखिए, ये पे हेड के लगाने का पोजीशन है, इसको ऐसे नीचे प्रेस करके ऊपर में उठा दीजिए तो ये खुल जाएगा, ऐसे प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है देखिए सी और बी, सी फॉर कलर, बी फॉर ब्लैक, आपको दिखाएगा कैसे हेड लगाते हैं। अभी हम हेड यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सिंसियर होकर करना है इसको। ये साथ में कलर लिया हुआ है, तो हम ये नीचे हेड के नीचे ऊपर का स्टिकर है और नीचे एक देखिए, ये दो आपको निकालना है, निकाल के इसको कलर के पोजीशन में, सी के पोजीशन में बिठा देना है। अभी ये ब्लैक वाला भी सेम प्रोसीड्यूर रिपीट करना है आपको, बिठाना है। तो इस टाइप से ये दोनों बैठ गया ऊपर, इसको लीवर को खींच के बिठाना है, और ये दो है ना, इसको दोनों को प्रेस कर दीजिए आप एक साथ। हाँ, प्रेस करने से ये हो गया सेटअप, हम लोग का हेड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे इंक डालेंगे, इंक डालने के लिए आपको ये में ये दिया हुआ है लीवर, इसको ब्लैक यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए, ब्लैक डालना है यहाँ पे। उसी तरह इसको इसको खोल के तीन यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, तीनों नॉबों को उठा लीजिए, उठा के जिस कलर से अगेंस्ट में जो है वो डालना है। चाइन के अगेंस्ट में यहाँ पे चाइन होगा, मैजेंटा के अगेंस्ट में यहाँ पे मैजेंटा होगा, और येलो के अगेंस्ट में ये येलो होगा। तो ये तीनों यहाँ पे इंक डालना है और ब्लैक यहाँ पे होगा, ये ब्लैक आप। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, और ऊपर में दिए हुए आई बटन को क्लिक करके हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो को भी देख सकते हैं। हल्के हाथ से आप ऐसे दे के इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए, वो नीचे इंक चला जाएगा, फिल होता जाएगा। देखिए दोस्तों ये इंडिकेटर आपको दिखा रहा है इधर में, ये ब्लैक हो गया। अभी कलर, अभी चाइन यहाँ पे डालेंगे हम, चाइन के बॉक्स में चाइन इंक दे के प्रेस करते रहेंगे। मैजेंटा, और ये नॉब जो फिलअप हो गया है इसको आप ऐसे बंद कर दीजिए नॉब को, इसका भी ये नॉब बंद कर दीजिए। हाँ, ये अभी मैजेंटा में हम मैजेंटा डालेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं नीचे इस पोजीशन में ये फिलअप होता जा रहा है। येलो को थोड़ा से लेके कलर का ध्यान रखिएगा हमेशा,
तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। होने के बाद ये सबको फेंक दीजिए, आप नॉब को लगा लीजिए, इसको कवर को बंद कर दीजिए, इस कवर को भी बंद कर दीजिए। हाँ, अब ये जो ऊपर का कवर है प्रिंटर का, उसको ऐसे कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे पार्केबल लगाएंगे, को यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे पोजीशन आपका दिया हुआ है, इस पोजीशन में आपका यहाँ पे देखिएगा, आपको पावर का केबल लगाने का और पोजीशन दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पावर केबल ऐसे लगा दीजिए आप। ये पावर केबल फिट हो गया। होने के बाद पावर स्विच ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये पावर को हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑन कीजिए करेंगे। ये होता जाएगा, आप यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा साउंड करेगा, इनिशियलाइज करेगा, साउंड करेगा, थोड़ा इनिशियलाइज करेगा यहाँ पे। जब तक ब्लिंक करता रहेगा तब तक कुछ नहीं करना। अब स्टॉप हो गया, अभी यहाँ पे जीरो और ये दिखाएगा आई। दोस्तों, अभी ये ब्लैक बटन को 5 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली प्रेस करके रख के छोड़ना है। उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, और आपको ये प्रोसेस ख़त्म होने में 5 से 10 मिनट लगेगा। आप इनिशियलाइजेशन ख़त्म होने के बाद ये ग्रीन सिग्नल स्टेबल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाता हूँ, और ये प्रोसेस चलने देता हूँ। दोस्तों, अभी जो सीडी मिलेगा ये प्रिंटर के साथ, जो सीडी आया था, वो आप सीडी ड्राइव में डाल के ये इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप नेट से अगर सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड करना है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं कैनन के साइट में जाके। मेरी यहाँ पे ये सीडी डाला हुआ है, सीडी के अंदर ये सॉफ्टवेयर है का, ये एम सेटअप 4 जो है उसको आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपका पॉपअप विंडो आएगा, इसमें स्टार्ट सेटअप कीजिए। इससे करने से पहले आपको नेट डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि नहीं तो ये ऑनलाइन सर्च के लिए जाएगा लेटेस्ट ड्राइवर। तो सीडी आता है उसी से हम लोगों का काम चल जाता है। तो इसे स्टार्ट सेटअप में क्लिक कीजिए। करने के बाद से यहाँ से आप एशिया सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट यस कीजिए, एग्री कीजिए। एग्री करने के बाद ये डीएक्टिवेट द ब्लॉग ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आया हुआ है फायरल का, तो इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिएगा दोस्तों, ये इंस्टॉल एमपी ड्राइवर चल रहा है। और इधर मैं प्रिंटर को दिखाता हूँ, प्रिंटर में भी देख लीजिए। अब इन द मीन टाइम रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेनू में U1 आ गया है, और ये जो पावर बटन है वो फिक्स हो गया है, मतलब आपका प्रिंटर इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, आप अभी यूएसबी आपको मिलेगा इस साइड में। लैपटॉप पे जब प्रॉम्प्ट करेगा आपको कनेक्शन करने का, तब यूएसबी आपको लगाना है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ यूएसबी कहाँ लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये यूएसबी यहाँ पे लग गया है। और जो दूसरा यूएसबी पार्ट है आपका, ये जो पोर्शन है आपका यूएसबी का, हम यहाँ पे रख देते हैं। और प्रिंटर कनेक्शन, अभी देखिए लैपटॉप में, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप में हो या लैपटॉप हो, कहीं पर भी प्रिंटर कनेक्शन के लिए आया हुआ है, यूएसबी आपको लगाने दिया हो। क्या करेंगे, यहाँ पे यूएसबी इस एंड में, यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट से वहाँ पे ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद आपका ये देखिए प्रिंटर कनेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है दोस्तों। प्रिंटर डिटेक्टेड बोल के आया है, प्लीज़ वेट अनटिल द इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट। तो ये हो गया है यहाँ पे। अब पेपर एक अलाइनमेंट के लिए ये पेपर मांगा है, नेक्स्ट कीजिए। टेस्ट एक पेपर आप प्रिंटर का ट्रे में दीजिए। दोस्तों, अभी मैं इसमें कार्ड प्रिंटिंग करके दिखाऊंगा। कार्ड प्रिंटिंग के लिए आपका ये जो ट्रे है, ये मूवमेंट होता है, ये बीच में लाना है आपको, लाके ऐसे कार्ड को इसके बीच में आपको देना है। ये हो गया, यहाँ पे देखिए अंदर कार्ड चला गया है। अभी मैं ये कार्ड में ये फ़ोटो प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा।
तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, करने के बाद एक नया फाइल लीजिए। इसमें आप देंगे कार्ड के साइज़ के हिसाब से 2x3 2 इंच बाई 3 इंच, ये थोड़ा बड़ा होगा, 2 इंच से थोड़ा बड़ा होता है, आप उस हिसाब से मिला लीजिएगा। और हाइट जो है ये आपका 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा होता है, मैं 2-3 में सिखा देता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोल भी कीजिए, करने के बाद इसको इस एरिया में एडजस्ट कर लीजिए आप। यहाँ पे मिला लिया है मैंने, मिलाने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा, फाइल में जाइए, प्रिंट में जाइए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैनन का, कैनन G2010 सीरीज का प्रिंटर। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आपको A5 नहीं, यहाँ पे कार्ड आएगा, यहाँ पे देखिएगा कार्ड 2.17 3.58 इंच आया। यहाँ पे फोटो पेपर सिलेक्ट कीजिए, पेपर फोटो पेपर ये क्वालिटी हाई कर दीजिए, फोटो प्रिंटिंग यहाँ से कीजिए, ओके कीजिए और यहाँ से आप प्रिंट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये प्रिंट आउट चला जाएगा। दोस्तों ये पीवीसी कार्ड प्रिंट होके बाहर निकल रहा है, ये देखिए पीवीसी कार्ड प्रिंट होके बाहर निकला है। और मैंने ये 2x3 साइज़ का दिया हुआ है, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपका ये साइड में आपका 2 इंच से थोड़ा ऊपर है और इस पोर्शन में आपका ये 3 इंच से थोड़ा ऊपर है, तो ये थोड़ा एडजस्ट करके, थोड़ा इंक्रीज़ करके आप उस सेटअप करके अच्छी तरह पीवीसी कार्ड के साइज़ में निकल सकते हैं। दोस्तों ये मेरा कस्टमर मोइनाल, ये उसका दोस्त और उसका दोस्त, ये आया है प्रिंटर लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। बाय बाय।